नाउ यूट्यूब के ऊपर हर मिनट 300 घंटा से ज्यादा की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। कुछ लोगों की तरह आप भी अपना ज्यादातर वक्त वीडियोस देखने में गुजारते होंगे। सो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल बिकॉज आज की वीडियो एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम पूरे वेब से आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर हाजिर हुए हैं जो कि आप शायद आज पहली मर्तबा देखेंगे। रेडी टू टेक अ लुक, लेट्स गेट इट ऑन। मेल्टिंग कार्ड्स। कोई शख्स भी गर्म मौसम को हरगिज पसंद नहीं करता, इसलिए समर वेकेशन में हम डिफरेंट कूल प्लेसेस पर जाना पसंद करते हैं। तो आप क्या ख्याल करते हैं कि गर्मी सिर्फ हमें ही मुतासर करती हैं? सो वी आर रॉन्ग फ्रेंड्स, ये भी एक इमेजिनेबल थिंग है कि कार्स भी मेल्ट हो सकती हैं, क्योंकि हीट से ये भी काफी एग्रेसिव होती हैं। और सिर्फ मेल्ट ही नहीं होती बल्कि इसकी मेटल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ऐसे मालूम होता है जैसे इन पर लावा की बारिश हो गई हो। और जब ये कूल डाउन होती है तो आपकी कार किसी भी काम की नहीं रहती। ये दुनिया में एक ऐसी चीज है जिस पर पर्सनली बिलीव करना बहुत मुश्किल बात है। श्रेडिंग मनी। हम में से कोई भी अपने पैसे जाया नहीं करना चाहता, और हम यही चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस फुल रहे। लेकिन क्या हो अगर हर दिन 6 मिलियन डॉलर्स को श्रेड करके फेंक दिया जाए? यस, फेडरल रिजर्व बैंक इन न्यू ऑरलियंस अमेरिका के अंदर मनी के साथ कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। यहाँ पर गंदे, कटे फटे और मुड़े हुए नोटों को खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी 6 मिलियन डॉलर्स एक ही दिन के अंदर। जहाँ पर इन पैसों को खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर पोटैटोज और इस जैसी सब्जियाँ उगाई जाती हैं, और नोट वहाँ पर एज अ फर्टिलाइजर काम करते हैं। इट इज एन अमेजिंग थिंग दैट यू नेवर सीन बिफोर। ऑक्टोपस इन अ जार। दोस्तों, इससे पहले आपने ऑक्टोपस तो देख ही रखा है। इसके 8 टेंटिकल्स होते हैं, 3 दिल, और मजीद ये कि ये अपना कलर भी चेंज कर सकता है। लेकिन जितना ये दिखने में आपको नोबल मालूम होता है उससे ज्यादा स्मार्ट इसका वर्क है, और ये शायद आप आज पहली मर्तबा देखेंगे। जापान के अंदर एक ऑक्टोपस को एक जार के अंदर बंद कर दिया गया कि वो इसे खोल सकता है या नहीं, और ये अच्छे तरीके से बंद किए गए जार को क्या अंदर से खोल सकता है? ये इंटेलिजेंट ऑक्टोपस चंद लम्हे जार को एनालाइज करने के बाद 1 मिनट से पहले ही इसको खोलकर बाहर आ गया। एक इंसान को एक टाइट बोतल का ढक्कन उतारने में ही काफी दिक्कत पेश आती है, लेकिन ऑक्टोपस इंसानों से भी बाजी ले गया है। बैंड आयरलैंड। हम सभी खूबसूरत जगहों पर शौक से जाना पसंद करते हैं। ऐसे में हमारे सामने किसी ऐसी जगह का नाम लिया जाए जो कि बहुत खूबसूरत हो लेकिन वहाँ हम जा ना सकें, तो यकीनन हम बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाएंगे। वेल, दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर आप बंडल ऑफ मनी के साथ भी नहीं जा सकते। सो रीजन क्या है? वहाँ पर हम मर सकते हैं। ब्राजील में मौजूद ये आयरलैंड गोल्डन लेंस हेड स्नेक से भरा हुआ है, जो कि हमारी जमीन पर डेडलीस रेप्टाइल्स हैं। और ये स्नेक्स इतनी तादाद में पाए जाते हैं कि वहाँ पर 1 स्क्वायर फुट जगह भी खाली नहीं है। ये स्नेक्स इतने डेडली होते हैं कि इनसे काटे जाने पर 1 ही घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है, और किसी को इमीडिएटली रेस्क्यू पहुँच भी जाए तो उसका बचना काफी मुश्किल होता है। दुनिया में कोई शख्स भी इस पर कदम भी नहीं रख सकता, और ये दुनिया में एक ऐसी मिस्ट्री है जिससे जितना दूर आ जाए उतना ही अच्छा होगा। अंडरवाटर पिज्जा डिलीवरी मैन। क्या होता है जब आप 21 फीट पानी के नीचे एक होटल में पिज्जा डिलीवर करते हैं? इट इज एन अनयूजुअल जॉब। वेल, रोब डायल जो कि एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर हैं, वो इस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक्स मेरीन रिसर्च सेंटर फ्लोरिडा के अंदर इस अनयूजुअल जॉब को परफॉर्म करता है। ये एक्स मेरीन रिसर्च सेंटर अब एक अनयूजुअल होटल में चेंज हो गया है, और जब आप इसके अंदर स्टील चेयर में बैठे होते हैं तो आप इसकी हेल्प नहीं कर सकते, बट इसकी जॉब में इतनी क्लियरेंस है कि आपका पिज्जा जरा सा भी वेट नहीं होता। और इस अंडर वाटर जगह के अंदर सिर्फ 2 ही रूम हैं। यकीनन ये अनयूजुअल प्लेस पर बहुत ही अनयूजुअल जॉब है। कार फ्रॉम फ्यूचर। जिन लोगों ने जिंदगी में डिफरेंट डिफरेंट किस्म की कार्स देखी हैं, मुझे यकीन है कि इससे पहले इन्होंने ऐसी कार नहीं देखी होगी। ये एक फ्यूचर कार है। मर्सिडीज बेंज कंपनी ने एवेटर मूवी से इंस्पायर होकर एक फ्यूचरिस्टिक लग्जरी कार बनाने का सोचा है।
ये एक कम्प्लीटली इन्वायरमेंट डिपेंडेंट कार होगी जो कि अपने आप को खुद तक ड्राइव कर सकेगी। इसमें से फीचर्स मौजूद होंगे जो कि इसे बिल्कुल लिविंग क्रिएचर बना देंगे। इसकी पल्सिंग लाइट्स इतनी मशहूर कौन है कि ये किसी को भी हैरत में डाल सकती हैं। ये आपको दिखने में कुछ केकड़े की तरह नजर आएगी और आप इसकी हर चीज को मैन्युअली कंट्रोल कर सकेंगे। ये डेफिनेटली एक फ्यूचरिस्टिक कार है और उसके साथ साथ ये बहुत ऑर्गेनिक भी है। कार वेंडिंग मशीन। कोई शख्स भी ये नहीं चाहता कि उसकी ऑनलाइन खरीदी की कार में उससे पहले बैठे खा वो कार पिकिंग ड्राइवर ही क्यों ना हो। वेल चाइना के अंदर अलीबाबा ग्रुप ने एक कार वेंडिंग मशीन तैयार कर ली है जिसमें पहले आप एक ऑनलाइन कार खरीदते हैं, आपकी फेस रिकॉग्नाइजेशन होती है और उसके बाद आप अपनी कार लेने के लिए कार वेंडिंग मशीन पर आते हैं जहाँ पर एक स्पेशल कॉइन डालने के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है। उसके बाद आपकी कार डिफरेंट प्रोसेस में से गुजरती हुई नीचे ग्लास जार में आ जाती है जहाँ पर इसे आप पिक करके अपने घर ले जा सकते हैं। उन्होंने कार वेंडिंग मशीन को इसलिए बनाया है ताकि आप इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। शेयर इट नाउ। वेल दिस कार वेंडिंग मशीन इज होल ऑन अनदर लेवल। एलिफेंट आर्टिस्ट्स। लोग हमेशा से ही हाथियों के गर्विदा हैं। ये काफी इंटेलिजेंट क्रिएचर है। इससे पहले आपने हाथी को फुटबॉल खेलते तो देखा ही होगा, लेकिन ये पेंटिंग कितनी अच्छी तरीके से कर लेती हैं वो भी जरा देखिए। और महज चंद रंगों का इंतजार बनाने के बजाय ये एक रियलिस्टिक एलिफेंट को भी ड्रा कर सकती हैं। ये तो एक इंसान के लिए भी बिल्कुल ईजी नहीं है, लेकिन काफी प्रैक्टिस के बाद ये एलिफेंट जानते हैं कि उन्हें अपने फ्रेंड्स को कैसे ड्रा करना है। इट इज एन अनबिलीवेबल थिंग। फ्यूचरिस्टिक नेबरहुड। दोस्तों इससे पहले आपने जिंदगी में बहुत सारे लग्जरी हाउसेस देखे होंगे, बट दीज हाउसेज आर ऑन अनदर लेवल कम्पेयर टू दैट। ये हमारी जमीन पर ऐसे घर हैं जो कि आपको एम्स्टर्डम के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखने में तकरीबन एलियंस के यूएफओज और गोल्फ बॉल की तरह लगते हैं। इन हाउसेज के तीन पोर्शंस होते हैं जिसमें बॉटम पर बेडरूम, मिडल में बाथरूम और ऊपर रिहायश का बनाई गई है। इन घरों की विंडोज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इनको खोल कर जिस एंगल से मर्जी चाहे नेचर का नजारा कर सकते हैं। डेफिनेटली ये हाउसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि वर्थ तो रखते ही हैं और हम जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। देयर इज नथिंग लाइक दिस मैन। सैंड आर्ट। आपने यकीनन बहुत सारे आर्टिस्ट्स के बारे में सुन रखा होगा जो कि बहुत ही क्रिएटिव पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन एक बीच पर बहुत बड़े आर्ट के बारे में क्या ख्याल है? ये आर्टिस्ट जिनका नाम जिम डेमन है, ये डिफरेंट बीचेस पर जाकर बहुत ही क्रिएटिव आर्ट बनाते हैं जिसे देखकर कोई बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी परेशान हो जाए। ये इस हद तक क्रिएटिविटी है कि इसे खुद भी मालूम नहीं होता कि वो क्या चीज बना रहा है, क्योंकि वो तो साइज में बहुत बड़ी होती है और इसे इस आर्ट में घंटों का टाइम लगता है और फिर अंदर की चंद लहरें ही इसकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। जरा सोचें इसका हर्ट कितना बड़ा है और अपने इस टैलेंट की वजह से इसने दुनिया में लार्जेस्ट आर्टवर्क का रिकॉर्ड बना रखा है। इसने एक आर्ट बनाया जो कि 10 मील नाकाबले यकीन हद तक सरकमफ्रेंस रखता था। आई डोंट थिंक ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये जो भी है भाई कमाल का है। सिटी ऑफ आइस। क्या आप कभी जिंदगी में किसी आइस कैस्टल में जाना पसंद करेंगे? इफ यस देन विजिट चाइना टुडे। यहाँ पर हर साल हर्बन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है जिसमें दुनिया भर से आइस स्ट्रक्चर डेवलपर्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस सारे फेस्टिवल में से आइस एंड स्नो वर्ल्ड देखने के काबिल है। ये एक टाउन है जो की 6 मिलियन क्यूबिक फीट आइस से बना हुआ है और ये आइस टाउन 8 मिलियन क्यूबिक फीट से भी तजावुज कर सकता है। रात के वक्त इसके कलर दिल में उतर जाते हैं। ये एक बिल्कुल ख्वाब की तरह मालूम होता है। ये दुनिया में कैसी हैरत अंगेज चीज है जिसको पहले कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। रोबोट सैमुराई। अब बढ़ती तरक्की के दौर में रोबोट्स की सर्विसेज पर कोई भी शक नहीं रहा। ये जानने के लिए कि एक इंडस्ट्रियल रोबोट एंशियंट स्टंट्स परफॉर्म कर सकता है, इसको एक मास्टर के साथ कंपैरिजन किया गया। ये मास्टर इन स्टंट्स में इतना माहिर है कि वो 5 दफा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन इस रोबोट के कंपैरिजन का नतीजा बहुत ही शॉकिंग निकला। इस रोबोट ने एनालिसिस को इस तरह से परफॉर्म किया जिस तरह इस मास्टर ने इन स्टंट्स को परफॉर्म किया, जिसमे डायगोनल कट, राइजिंग कट और हॉरिजॉन्टल कट शामिल थे। ये चैलेंज 1000 कट्स पर मुश्तमिल था और इस इंडस्ट्रियल क्रिएचर ने एक इंसानी मास्टर और रोबोट के अंदर कोई भी फर्क नहीं छोड़ा।
एनीवेज फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को रियली एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।